देखिए, अब तक हमारे विधायकों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन हम उनको ये दिखाएंगे, विजन दिखाएंगे अपना कि हम किस विजन से इस दक्षिण विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। और हमारी विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, शर्ते लागू। आज अजमेर दक्षिण विधानसभा 101 से मैंने अपना नामांकन पत्र भरा। मुझे हमारे आला कमान सभी शीर्ष नेताओं ने मेरे पर विश्वास जताया और पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, तो मैं आज नामांकन पत्र सभी मेरे कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, जितने भी समिति मेरे जिलाध्यक्ष और अग्रिम संगठनों के जिलाध्यक्ष और सभी कांग्रेस के छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता, मेरे साथी पार्षद, सब लोग मेरे साथ हैं। मैम, क्या कमी लगी आपको दक्षिण विधानसभा? देखिए, अब तक हमारे विधायकों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन हम उनको ये दिखाएंगे, विजन दिखाएंगे अपना कि हम किस विजन से इस दक्षिण विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। और हमारी सरकार ने पूरे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जनता इतनी खुश है और सरकार के कामों से अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई सुविधा का लाभ मिला। ऐसी संवेदनशील सरकार हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं हो सकती, इसलिए हम उस आदर में कहीं ना कहीं आपको कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन आज जब नॉमिनेशन आप दाखिल कराने हैं, जो भीड़ आपके साथ थी, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी मजबूती पर पहुंच चुके हैं और आगे भी आपको लगेगा चुनाव में ऐसे ही लोग आपका समर्थन करेंगे? हाँ, ऐसे ही होगा। देखिए, रावण का भी घमंड कभी नहीं रहा। रावण भी अपने आप को बलवान समझता था और वो एक ही उस पर उनके हार हो गई, और हाथी भी अपने आप को बलवान समझता था और एक चींटी ने ही मार दिया उसको। तो ये तो जो समझे कोई समझे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जनता के उस पर खरा उतरूंगी और मेरे संगठन, मेरे कार्यकर्ता सब मुझे जिता के लाएंगे। वो अजूम आपने अभी देख ही लिया, कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त मनोबल है, सरकार की नीतियां इतनी सारी है, इसलिए हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। दक्षिण से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, अभी क्या कहना चाहिए? हमारे दक्षिण में ऐसा कोई बागी उम्मीदवार रही नहीं, कांग्रेस में कोई बागी उम्मीदवार रही नहीं। हेमंत भाटी जी पर्चा भरने आ रहे हैं? मुझे नहीं पता, ऐसा अभी तक तो नहीं पता। वो मेरे बड़े विरोध भी जता देते कि हमें, देखिए बड़ा भाई है, कुछ भी छोटी बहन को डांट भी तो सकता है ना, तो वो बड़ा भाई है, इसलिए मेरे बड़े भाई का हक है मुझे डांटने का, और वो शायद इसीलिए उन्होंने किया होगा, लेकिन वो मेरे साथ है, हमेशा साथ रहेंगे, मुझे जिता के लाएंगे। आप